हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज के इस वीडियो में कृष्णा जी और यशोदा मैया की कलर करने वाला हूँ। और इस ड्रॉइंग को करने के लिए मैं यहाँ पर कैमल की आर्टिस्ट सॉफ्ट पेस्टल को यूज़ करने वाला हूँ। और इस टाइप की पेस्टल को मैं पहली बार यूज़ करने वाला हूँ, तो मुझे कोई आइडिया भी नहीं है एक्चुअली इसको किस तरीके से करना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये एकदम से न्यू है। और जिसको भी नहीं पता ये चीज़ किस तरीके का होता है, तो आप लोग इसको क्लोजली अभी देख सकते हो। और इसी कलर को मैं अभी कैनवास के ऊपर यूज़ करने वाला हूँ। और कैनवास के ऊपर भी ये वर्क करता है कि नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो फुल एक्सपेरिमेंट ड्राइंग होगा ये, और मेरे लिए तो एकदम से न्यू एक्सपीरियंस होगा ये चीज़ करने की। तो चलो शुरू करते हैं। और इस ड्राइंग की आउटलाइन ट्यूटोरियल मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, तो आपने अभी तक नहीं देखा हो तो ज़रूर से देख लेना। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बैकग्राउंड को पहले कलर करने के लिए, जहाँ पर जिस तरीके का कलर मुझे दिख रहा है, मैं उसी कलर का यूज़ करके जस्ट शेडिंग करूँगा और उसको फिंगर से ब्लेंड करूँगा। और सिर्फ बैकग्राउंड में ही नहीं, फुल ड्राइंग में ही ऐसा करूँगा। तो चलो डिटेलिंग करने के लिए मैं यहाँ पर कैमल के सॉफ्ट वाला चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो जहाँ पर मुझे डिटेलिंग करना है, मैं इसी चारकोल पेंसिल का यूज़ करूँगा। और अभी आइज़ में और व्हाइट कलर से जो भी डिटेलिंग है, उसमें एट्रेलिक कलर का यूज़ किया हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि सॉफ्ट पेस्टल से मुझे उतना डार्क वैल्यू नहीं मिल रहा था। Thank you.
ओके, ड्राइंग कंप्लीट हो जाने के बाद मैं यहाँ पर फिक्सेटिव स्प्रे यूज़ किया था इसके ऊपर, और इसको यूज़ करने के बाद मेरा फुल ड्राइंग ही ख़राब हो गया, जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो। और सॉफ्ट पेंसिल के ऊपर अगर फिक्सेटिव यूज़ नहीं करूँगा तो 2 दिन बाद ख़राब भी हो जाएगा, तो इसको बाद में फुल रिकवर करने की ट्राई करूँगा, देखते ही ठीक होता है कि नहीं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और ड्राइंग वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।